जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को सबको प्रणाम। मैं सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार प्यार से बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं जो अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो आज से 25 साल पुराना है। 1993 की बात है। मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, तो हमारे जो ऑफिस थे वो सारे पंजाब में थे, तो एक सैटरडे को मुझे जलंधर जाना था, कोई वहाँ पर कुछ ऑफिस का काम था, तो सरकारी टूर था, तो ड्राइवर भी था, कार भी थी, तो जाना था। तो मेरे दो कुलीग मुझे कहते हैं भी आपने वहाँ जलंधर जा रहे हो, हमें साथ ले चलोगे, कहीं आपकी फैमिली तो नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, फैमिली ने जाना भी तो भी कोई बात नहीं, अगर साथ चलोगे तो ठीक है, पर मैंने अकेले ही जाना तो आप चलो। तो हम वहाँ से चंडीगढ़ से तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, तो जलंधर चले गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा, कोई इतने मतलब कुलीग थे, फ्रेंड्स नहीं थे। तो जब वहाँ गए, जलंधर पहुँचे, तो जो गुरुजी का मंदिर है उसके बाहर मैंने उनको उतार दिया, और मेरे को था मैं आगे अपना ऑफिस में जो काम करने जाना है मैं जा रहा हूँ, और उनको मैंने कहा मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा वापस। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं चला गया अपने ऑफिस, तो अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया, तो ऑफिस का जो काम था वो थोड़ा लंबा हो गया, तो वहीं मतलब लंच वगैरह वहीं किया जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स थे उनके साथ, और उसके बाद भी काम करते रहे। और क्योंकि मुझे उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था उस टाइम, मोबाइल नहीं होते थे, कोई टेलीफोन नहीं होता था, तो ठीक है जब पहुँचूँगा तब पहुँचूँगा। और जब काम ख़त्म हुआ तो फिर नेचुरली जल्दी थी जाने की, घर भी पहुंचने की जल्दी थी, तो मैं जब वहां पहुंचा वापस जहां उनको उतारा था, तो ड्राइवर को मैंने कहा भी जाके संजीव को और जाम अंकल को बुला ले अंदर से। तो वो वापस आ गया, कहता जी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने उसको फिर भेजा, मैंने कहा बहुत लेट हो गए हैं, अंदर नहीं मेरे को आना, अगर अंदर जाएंगे फिर चाय वगैरह की फॉर्मेलिटी होती है तो उनको बुला ले। फिर संजीव बाहर आ गया, मुझे कहता नहीं जी आप 2 मिनट आ जाओ, तो नेचुरली 2-3 बार कहा तो मैं चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो गेट था, गेट के जब गया तो वहाँ सब चप्पलें वगैरह बाहर पड़ी थी, तो मुझे लगा कि नॉर्मली घरों में तो पंजाब में या दिल्ली में ऐसे नहीं होता, पर चलो जो जब गया तो जो सिस्टम था, मैंने अपने जूते वगैरह उतारे और उसके बाद वॉश बेसिन से हाथ धोए, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। उस जगह का ऑरा, उस जगह की जो खुशबू आ रही थी और उस जगह का जो एटमॉस्फेयर था, मतलब वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ऐसी मतलब एक किसी को डिफरेंट दुनिया में डाल देते हैं ना जैसे। तो मैं गया अंदर, मैंने कहा इतना घर इनका इतना वो है जबरदस्त, तो इसमें शांति है, इतनी पीस है, इतनी मतलब ट्रैंक्विलिटी है, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, तो फिर जैसे मैं गया तो इधर साइड में एक और डोर था, वहाँ हॉल था, ड्राइंग में जैसे जाते हैं तो उधर हॉल था, तो जो हॉल था तो वहाँ मैं सामने गया तो गुरुजी बैठे थे। जैसे ही मैं गया, गुरुजी ने घड़ी से ऐसे किया, कहते देख चांद तेनू मैं क्या सी, हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे बुला ला घड़ी। अच्छा मैं तो उनको देख के मतलब उनका इतना वो था, ऑरा कह लो, पर्सनैलिटी कह लो, इतना उनका वो था भी उनसे मतलब आंख मिलाना तो बहुत, पर जैसे मतलब इतनी तो समझ थी भाई जो गुरुजी हैं, तो जाके मैंने उनके पैर छुए और बैठ गया मैं। फिर मुझे थोड़ी देर में लगा भी अब गुरुजी कुछ बोलेंगे, कुछ प्रवचन जैसे आम करते हैं कुछ करेंगे, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया, समोसा था, जलेबी थी, चाय प्रसाद आ गया, तो चाय पी ली मैंने। चाय पी के फिर मैंने संजीव को इशारा करने के लिए चल भी चले, वो कहता बैठ जाओ। मेरे को अंदर से मतलब वहां से उठने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जगह ऐसी थी, ऐसा उस जगह का ऑरा था, ऐसा वहाँ एटमॉस्फेयर था, भाई ऐसे दिल करता था बैठे रहे यहाँ, जाए ना यहाँ से। पर एक जैसे होते ना वर्ल्डली चीज में, मेरे इतनी लेट हो गए, पहले मेरी वाइफ फिक्र कर रही होगी, मेरे को पहुंचना भी है, जाना भी है, बाहर ड्राइवर भी बैठा है वो भी गालियां दे रहा होगा, भी सवेरे से लेके अब तक शाम तक मेरे को बिठाया हुआ है। एनी हो, वहां मैं नहीं उठा। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के गए और
गुरु जी गए किचन, बिल्कुल ऐसे साइड में किचन थी, गुरु जी थाली में लंगर मतलब उन्होंने डाला और जैसे कोई चार लोग पहले आगे बैठे थे उनको दे दिया, फिर आगे कोई चार और लोग थे उनको दे दिया, उनको कहा भी आप चारों लोग इकट्ठे खाओ। तो ऐसे जहां मैं इस तरह बैठा था तो गुरु जी ने भी कह दिया आप चलो खाओ लंगर, उनमें एक दो लेडीज होंगी या जेंट्स होंगे, मतलब अलग लोग थे जिनको मैं जानता नहीं, और मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के साथ ऐसे कैसे खा सकता हूँ। पर जो गुरुजी ने कह दिया ना, मतलब जैसे एक समझ लो आपके आप बच्चे हो, आपको फादर कह देते हैं ये करना है तो करना ही है, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। तो लंगर खा लिया मैंने, लंगर खाने के बाद मेरे को मन में ये क्यूरियोसिटी हो रही थी कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है। लंगर खाया उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको मैं इशारे करता था, बैठे रहे काफी देर हो गई, अल्टीमेटली गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी के पैर छुए और चले गए वापस। जैसे ही थोड़ी दूर गए मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा संजीव ये गुरुजी को नाम मेरा आपने बताया था? कहता नहीं मैंने नहीं बताया। फिर दूसरे थे मिस्टर जाम, मैंने कहा आपने बताया था? कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता मेरा नाम? कहते नाम तो छोड़ो, गुरुजी ने हमें दोपहर को 2 बजे कह दिया था भी तेरा हरगोबिंद अरोड़ा जिहड़ा हैगा या तुहाडा हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे आएगा, 7 तो पहले नहीं आएगा, आराम नाल बह जाओ, मतलब 2 बजे उन्होंने कह दिया था। अच्छा फिर मतलब बातें करते रहे, मतलब मुझे लगा भी कोई पता नहीं कैसे, मतलब समझ नहीं आई इतनी भी कैसे उनको कैसे पता है। फिर हम वापस चले गए घर गए तो नेचुरली लेट हो गए, उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं थे, कम्युनिकेशन इतना होता नहीं था, तो मैंने वाइफ को जाके बताया। तो रास्ते में मैंने एक बात उससे पूछी थी संजीव से, भी गुरु जी क्या करते हैं? कहते हैं जी ये शिव जी का रूप है और किसी की कोई भी कोई बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना वो ठीक कर देते हैं। तो मैं उस दिन तो नहीं बताया, शायद नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को बताया भी ऐसे ऐसे गुरु जी बीमारी ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद संडे की जो रूटीन होती है कोई, नेक्स्ट सैटरडे उसका मुझे सवेरे फोन आया संजीव का, कहते हैं रोड़ा साहब आज हम फिर जा रहे हैं और आज हम प्राइवेट कार में जा रहे हैं, आपने चलना है? मैंने कहा नहीं। तो मेरी वाइफ सुन रही थी, उन्होंने मुझे कहा भाई आप तो कह रहे थे भी गुरु जी बीमारी ठीक कर देते, मेरी पेन बैक पेन है इतने सालों से, तो चलते हैं। मैंने कहा तो मैंने मना कर दिया उसको, कहते हैं दोबारा उसको फोन करो, फोन किया और चले गए हम। रास्ते में उसने मुझे ये कहा कि गुरु जी से ना आप कहना मत कुछ भी, जब उनकी वो होगी कृपा होगी तभी करेंगे। तो हम एक हफ्ता गए, वही जाते थे सारा दिन बैठे, लंगर प्रसाद हो रहा है और गुरु जी को एक जो उनका शब्द था ना मेरा वाले साइयां रखी चरणा दे कोल, बार बार वही वही लगाते थे। तो बाद में आफ्टर सो मेनी इयर्स मतलब मुझे ये लगता था गुरु जी मैंने रखी अपने चरणा दे कोल। तो वो एक वीक गुजर गया नहीं बात हुई, फिर अगले वीक गए, अच्छा बहुत लगता था, बहुत अच्छा लगता था वहां जाके, पर ये होता था भी बच्चों को छोड़ के जाते हैं हफ्ते तो थोड़ा वो भी बच्चों को भी छोटे थे बच्चे उस टाइम। थर्ड वीक फिर गए, फिर गुरुजी ने मतलब कुछ कहा नहीं, मैंने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा था मांगना मत कहना नहीं गुरुजी को। फोर्थ वीक मैंने ये सोचा भी इस बार तो या तो गुरुजी को कह देना है या अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अगली बार ही नहीं आऊंगा। वही हम गए 11 बजे के करीब पहुंचते थे, गुरुजी आते थे 11:30-11:12 जैसे भी उनका मेडिटेशन से उठते थे। तो चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, जैसे ही लंगर खाया तो उन्होंने मतलब उस टाइम थोड़ा ये भी लगता था जैसे अंकल्स और आंटी सबको कहते थे बच्चों को भी, जैसे मुकेश अंकल या अरोड़ा अंकल लेडीज को भी जो मतलब आंटीज कहते थे वो भी थोड़ा सा, मेरी वाइफ को कहते थे पहले एक दो बार अरोड़ा आंटी कहते थे, बाद में उन्हें स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर। तो जिस दिन मैं लंगर खाया चौथी बार, तो जैसे ही लंगर खत्म हुआ तो गुरु जी ने कह दिया स्टाइलिश आंटी आ जाओ। हमने उनको कुछ नहीं बताया था, उन्होंने कहा गुरु जी को उनका स्टाइलिश आंटी आ जाओ। तो गुरु जी साइड वाले कमरे में ले जा रहे थे, जैसे वहां तक पहुंचे तो मेरे को मतलब ये ठीक नहीं लगा भाई, व्हाई शी शुड गो अलोन विद हिम, मतलब ना तब तो इतना पता नहीं था। तो गुरु जी ना वहां से वापस आ गए, कहने तेरी वाइफ को कुछ नहीं कहना मैं, तू जो सोची जाना मैंने सारा पता है। तो मैं डर गया बहुत, उन्होंने जैसे कहा ना मैं कह के नहीं गुरु जी नहीं 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 इस तरह नहीं कोई, कहते मैंने पता है तू सोची जाने, टाइम ना खराब कर आ जा मेरे नाल। दूसरे कमरे में गए, वहां जहाँ गुरु जी मेडिटेशन करते थे वहां एक
दीवान लगा हुआ था और एक सेटी थी। सेटी में जैसे दो स्लिट्स होती हैं, बीच में थोड़ा होता है ड्रॉर वगैरह होता है कुछ सामान रखने का। तो गुरु जी बैठ गए इधर, तो मेरे को गुरु जी ने कहा तुम बैजा दिन मेरे नाम। तो मैं तो मतलब इतना, मतलब इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी, उनका ऐसा था और ऐसा था जो भी उनकी पर्सनैलिटी थी, मैं उसके साथ नहीं बैठता, मैं नीचे बैठने लगा, कहते नहीं अति बैजा। अच्छा जो एक बार जो बात कह देते थे ना, मतलब उसको फिर दोबारा वो नहीं होता था, भी कोई हिम्मत नहीं होती थी उनको मना करें या कुछ करें। फिर गुरु जी ने अपने ड्रॉर में से एक सिल्वर स्पून, सर्विस स्पून होता है, वो निकाला और कुछ उन्होंने आंखें बंद करके कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता, एक दो बार ऐसे कुछ किया, शायद फूंक भी मारी। और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को कहा तू तो पुट्ठी लेट जा। वो पुट्ठे शी वॉज लाइंग। तो गुरु जी ने यहाँ से रीढ़ की हड्डी से एक एक जो होता है ज्वाइंट होता है उसको दबाना शुरू किया, और तकरीबन टोटल मतलब यहाँ तक 3 मिनट लगे होंगे। और हर बार में जैसे दबाते थे तो जैसे आवाज आती थी, जैसे हम उंगलियों को करते हैं कई बार। तो 3 मिनट बाद गुरु जी ने कहता कल्याण किया। और उस टाइम मेरी वाइफ की आंखों से ना मतलब ऐसे निकल रहा था पानी, ऐसे शी वॉज वीपिंग, पता नहीं बहुत, जैसे या तो दुख निकल रहा होता है या ऐसे लगता है कि किसी ने बहुत मारा होगा कि रो रहे हैं या बहुत तकलीफ है। बस उसके बाद गुरु जी ने तो आ जाओ, हम गए वहाँ। तो फिर मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा ठीक है, कहते हैं अब शाम को पता लगेगा, अभी तो ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे मतलब मेरे उससे उतर गया, बोझ उतर गया मेरे से। फिर हम जब वापसी पे जा रहे थे, फिर मैंने पूछा, रात को पूछा, तो उसके बाद जो है दोबारा वो पेन कभी नहीं हुआ। तो मतलब एक इतना बड़ा रिलीफ था, जो कई मेडिकल वगैरह का काफी कुछ करा चुके थे, नहीं ठीक हो रहा। फिर हमें लगा कि हमें तो जाना चाहिए वहाँ, गुरु जी के पास जाना चाहिए। तो गुरु जी के पास फिर हम हर हफ्ते जाते थे और इतना अच्छा लगता था। एक्चुअली वेट करते थे मैं, कब फ्राइडे तक ड्यूटी खत्म होगी, सैटरडे होगा और हम जाएंगे गुरु जी के पास। तो बच्चों ने भी जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद गुरु जी एक दिन कहते तू रोज मुंह चक के आ जाना, तेरे कोई कम नहीं है। और मैं हाथ जोड़ दिए, मैं कुछ नहीं बोला। फिर एक दो बार और गुरु जी ने ऐसे कहा। तो फिर मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी मैं ना तुसी हथी लाओ, मेरा इत्थे दफ्तर हैगा, मेरी इत्थे ट्रांसफर करा दो। थर्ड डे मेरी वहां से चंडीगढ़ से जलंधर ट्रांसफर हो गई और मैं गुरु जी के पास जलंधर पहुंच गया। और उसके बाद शाम को मतलब इतना होता था कि शाम को ऑफिस से किसी भी टाइम आए, मतलब गुरु जी के पास जाके मतलब ऐसे अच्छा लगता था, जैसे उनसे मिलने से पहले अच्छा लगता था ना, कोई कह दे चलो पिक्चर देखने चलते हैं, या कोई कह दे चलो ताश खेलने चलते हैं, या कहीं पिकनिक पे चलते हैं, वो जो खुशी मिलती थी उससे 1000 गुना खुशी मिलती थी जब गुरु जी के पास जाते थे। और गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स की, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। मेरा बेटा गौतम, वो गुरु जी के एक दिन पैर दबा रहा था, तो गुरु जी के पैर बहुत सॉफ्ट थे, तो बहुत आराम से मतलब जैसे होता है ना भी उनको रिलीफ की बजाय पेन ना हो। तो गुरु जी कह रहे तू मुंडा है तो चंगी तरह दबा। तो उसने ये सोचा भी मैं अगर ज्यादा जोर से दबाऊंगा तो गुरु जी इतनी मतलब उनके वो सॉफ्ट थे। हर किस्म की गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिली। मैं अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया वहां से नोएडा से, कुछ नहीं बताया गुरु जी को। जैसे ही हम गए, आ गए नोएडा तुम, मतलब हमें ऐसे लगता था भी जैसे इनके तो पास तो कोई कैमरा है, सारा कुछ वो देख रहे हैं, सब उनको सब पता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और फिर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने गुरु जी के जैसे पैर थोड़े दबाए तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई। उसने हस्बैंड ने कह दिया तूने क्यों गुरु जी के पैर दबाए। तो उसको मतलब मेरी जो साले की वाइफ थी उसको बहुत बुरा लगा, पर गुरु जी ने मतलब कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने मेरे ये कह दिया अगली बारी ना दें। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने जैसे +2 के एग्जाम दिए तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डेंटल डॉक्टर बनना चाहती थी। तो गुरु जी से पूछा, कहते ना ये सोनी कुड़ी है तुम बीए पास कराओ, तेरा ब्याह कर दियो, कितने लोगों के मुंह हाथ मारती फिरेगी। तो वो बड़ा उदास हो गई। फिर हम एक बार गए, दो बार गए, उदास बैठी होती थी। फिर गुरु जी ने एक दिन कह दिया अच्छा चल तू जा। गुरु जी की कृपा से वो शी इज ए डेंटल डॉक्टर नाउ। और इतनी मतलब गुरु जी की कृपा होती थी। एक वह लड़का था सरदार था, वो 14 साल का होगा शायद, उसकी एक आंख जो है नहीं मतलब एक आंख से ही दिखता था उसको। तो लोग कहते थे कई बार गुरु जी को, गुरु जी ऐसी सेवा करता है तेरी कृपा करो। तो
तो गुरु जी कई बार गुस्से भी कह देते थे या वैसे भी डांट के भी कह देते थे, तेनू ज्यादा पता मेरे को। फिर बाई चांस क्या हुआ, हम महीना डेढ़ महीना किसी वजह से जा नहीं सके, मैं कहीं चला गया था बाहर। जब गए तो वो लड़के की आंख ठीक थी, मतलब इतना एक आंख ना और उसकी आंख काम कर रही है देख के, तो मतलब इतनी हमें खुशी हुई, इतना गुरु जी के ऊपर और फेथ बढ़ गया। फिर एक दिन गुरु जी रात को बैठे थे तो वो सुना रहे थे भी अगर मैं किसी की तकलीफ दूर करता हूँ तो उसका जो कष्ट है वो कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तब उसके कष्ट का निवारण होता है। तो मेन बात, एक दो बातें और हैं जो मैं गुरु जी के साथ में रहा हूँ तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी कहते थे तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो अपनी फैमिली को देखना है, फैमिली को आप देखो, उसके बाद आपको टाइम मिलता है सत्संग यहाँ आके करो, और नहीं कर सकते तो घर में बैठ के कर लो, ये जरूरी नहीं है। और गुरु जी को सफाई इतनी पसंद थी, कई बार उठते थे जैसे बैठे थे देखते थे कोई चीज वहां कोई चीज गिर गई है तो खुद जाके उसको उठा के उसको, तो इतनी उनकी सफाई थी, इतना उस जगह का औरा था। अगर आप में से किसी ने उस टाइम आए होते तो शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितना अच्छा था, शायद आप डिस्क्राइब कर सकते। तो गुरु जी की जो कृपा है वो हम सब पे है, और हमको गुरु जी का जो हम सत्संग करते हैं या कुछ करते हैं उसमें मतलब हमें कोई कंपटीशन नहीं करना किसी से, किसी ने सिंपल रखना है जो रखना है जैसे रखना है। मेन तो है जो हम सत्संग करते हैं उस टाइम हमारी जो अटेंशन है वो पूरी जो है मतलब सारी बाकी दुनिया की बातें भूल के, फैमिली की बातें भूल के, पर्सनल बातें भूल के, वी शुड ट्राई टू कंसंट्रेट, और गुरु जी की कृपा तो है ही है हमारे। जय गुरु जी।